हेलो वीवर्स, तो देख रहे हैं वीवर्स आप, आज 8 अक्टूबर का दिन है और अब जाके कुछ हद तक कबूतर रेडी हुए हैं। काफ़ी हद तक 80-90% कबूतर रेडी हैं और ये उड़ने वाला कंपार्टमेंट है। इसमें 20% कबूतर वो माने जो जोड़ों के हैं, जो उन्हें लगाए रखने के लिए हैं। फिलहाल अभी 10-15 दिन इनकी बस टहलाई रहेगी और उसके बाद इनमें जल्दी ही हम उड़ान वाला भी कबूतर का आपको वीडियो बना के दिखाएंगे, क्योंकि इस बार जो टूर्नामेंट है वो हल्का फुल्का टूर्नामेंट है। पिछली बार तो 105 वाला था, इसलिए बहुत तगड़ी तैयारी थी, मगर इस बार सिर्फ 55 कबूतर का है, 35 कबूतर का है और 117 कबूतर का है। 141 कबूतर का और है, उसमें देखते हैं उड़ान हो पाएगी या नहीं। और बस फ्रेंड्स, तो फिलहाल आपको आगे हम जारी रखेंगे अपनी वीडियो दिखाना। और ये देखिए कबूतर माशाल्लाह बहुत अच्छी टहलाई, मतलब आप खुद ही जा रहे हैं कि इन्हें उड़ाया जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज 8 तारीख है, कबूतरबाजी बड़ी मध्यम सी रही। वो एक दिन थोड़ा सा उठान पे आई थी, 16 कबूतर पकड़ में आए थे। और हाँ, एक चीज़ और हुई, वो 17 कबूतर पकड़ में आए थे जिसमें गिनती में 16 ही आ रहे थे, एक नहीं चढ़ पा रहा था और एक कबूतर बैठ के भागा था, यानी कि उस दिन रिकॉर्ड हमारा टूट जाता जो 17 कबूतर पकड़ने का था। तो फ्रेंड्स, एक दिन में 15 भगाने का भी रिकॉर्ड है हमारा। 2 बार पिछले साल 15-15 कबूतर ही भागे। और यह है कि जैसे कबूतर आते हैं, अब जैसे उसके बाद एक दिन 6 पकड़े तो 5-4 तो लेन देन वाले के थे कासिम भाई के। एक बब्बू भाई जो हैं शाहनवाज, उनका बेटा, उनका कबूतर था वो सफ़ेद वाला जिसकी मैंने वीडियो डाली थी, तो वो भी चला गया। और बाकी एक कबूतर है जो वो हम पर खोलेंगे उसके। तो कुल मिला के ऐसे फ्रेंड्स चल रहा है, यानी कि कुल मिला के इन 8 दिनों में लगभग आप देखें तो 36-37 कबूतर पकड़ में आ गए, मगर उसमें तो 5-7 हमने पर खोलने के लिए ऊपर ही छोड़ दिए हैं, 5-7 कबूतर। और 12-14 कबूतर लेन देन वालों के निकले, बल्कि ज़्यादा ही, हाँ 18 के करीब। तो इस तरह से 10-12 कबूतर की मैंने आज वीडियो डाली भी है, वो अब तक की वीडियो पकड़ के थी, आज ही वीडियो डाली है वो अब तक 8-9 दिन में जो हैं जो भी पकड़ाई वो मैंने सब दिखाई। उसमें ज़्यादातर पंजाबी ही पकड़ में आ रहे हैं, पता नहीं क्या पंजाबी का शौक लग गया है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बस आगे के लिए जो भी चल रहा है हमारे यहाँ आपको अवगत कराएंगे। और जो हमारे भाई जो है बहुत इंतज़ार करते हैं वीडियो का, पकड़ने वाली वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं या उड़ाने वाली पे, कबूतरों की नस्ल दिखाने पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब मैं बेचने वाले डालता हूँ तो इतना जो गौर से नहीं देखते हैं, जबकि वो कोशिश करते हैं कि उड़ाने वाले कबूतर ही या फिर पकड़ करते हुए वीडियो को ही दिखाया जाए। मगर हमारे कुछ भाई हैं जो कमेंट करते हैं पकड़ रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये वीडियो में है, पकड़ तो सभी रहे हैं। पकड़ना भी कबूतरबाजी का एक हिस्सा है, मगर चिड़ी मारी वो होती है जिसमें आदमी सिर्फ पकड़ करता है। हम 4-5 साल से लगातार उड़ान में हैं। 2019 में पहला, मतलब फर्स्ट इनाम जीता, 2020 में सेकंड और थर्ड पे रहे, 2021 में फिर फर्स्ट जीता और एक ऑल यूपी में जिसमें 55 टीमें थी उसमें 7वें नंबर पर रहे। और पिछले साल तो हमारा बेकार ही रहा, अब इस साल फिर उड़ान में है, यानी कि भाई ज़रा जो है, चलो कोई नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ नीचे गिराने वाले भी होते हैं, मगर ये सोसाइटी में सभी तरह के लोगों को हज़म करना रहता है। और हर तरह के कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वीडियो पे कमेंट आते हैं तो वीडियो की वैल्यूएशन उतनी बढ़ जाती है। तो कोई बात नहीं, कोई गलत भी कमेंट करता है तो हम उसे उसके कमेंट की कदर करते हैं, ना कि आपने देखा होगा हम कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते। पर यह है कि हाँ, कुछ लोगों की ज़िंदगी जलने में ही गुजर गई और वो जलते ही रहेंगे किसी ना किसी तरह से, तो उन्हें अपना रवैया सुधारना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खूबसूरती से ही जीना चाहिए और मज़े करते रहना चाहिए। अब हमें मानना है हमारे जो पकड़ते हैं कबूतर नहीं देते तो हम उनसे भी रिश्ते ख़राब नहीं करते, क्योंकि ये तो एक हर आदमी का एक रवैया है, उसका भी भागता है तो कौन देता है, बस यही हिसाब है। और ज़्यादातर कबूतरबाजी जो पैमाने पे टिक गई, लोग देना नहीं चाहते किसी का, तो अच्छा यही है कि अपना जो भरोसे का आदमी है उसके ही देना चाहिए, बाकी कोई फ़ायदा नहीं कि आप उसका दे रहे हो और वो आपका नहीं दे रहा, वो झूठ बोल रहा है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बताइएगा वीडियो कैसी लगी और सजेशन दीजिएगा आगे के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।